नमस्कार प्रणाम गहिया जौन से मैं गौतम सिंह राजपूत आज आप सबको बताएंगे कि पवन सिंह के ढोड़ी हुरवा लोग काहे बोलता है। और जी हाँ, पवन सिंह बात करता है लकीर खींचने का, तो वाकई में वो क्यों कहता है कि जो हम लकीर खींचे हैं ना उकरे पर सबको रेंगना है और उसी पर रेंगते लोग आ रहा है। आज आप सबको एक तथ्य के साथ दिखाएंगे और बताएंगे भी। जी हाँ, दो दिन पहले पवन सिंह का गाना आया था जिसका नाम था हम खिलाड़ी नहीं खे। तो ये गाना भी आप सुने और ये चल रहा है स्क्रीन पे, जिसमें देख पा रहे होंगे आप कि वाकई में जो लकीर इस गाने में खींचा है पवन सिंह, वो शायद इससे पहले किसी ने इस प्रकार का ड्रामा नौटंकी और शर्मिंदगी की हदें पार नहीं किया किसी भोजपुरी के कलाकारों ने। जी हाँ, आप कैसे पार किया वो बताते हैं आपको। शायद भोजपुरी के सारे एल्बम में लड़कियों पर चढ़ता है कलाकार लड़का, और एकरा पे अपने पे चढ़वा रहा है वो भी नंगा होके। जी हाँ, इस प्रकार के वीडियो के ना तो आप माँ बहनों के साथ देख सकते हैं, ना बहन बेटियों के साथ देख सकते हैं, ना किसी फैमिली रिलेटिव के साथ देख सकते हैं, जिस प्रकार का ये नौटंकी और हरकत कर रहा है ढोड़ी हुरवा। तो आप एक बात बताइए कि गाना अगर आपका साफ सुथरा भी है, फिर भी नौटंकी करके गाना को पूर्णतः अश्लील बना देता है इस प्रकार के कलाकार। और तो और, अभी से ठीक दो घंटा पहले गाना आया है पवन सिंह का, कमर लचा लच कर रहा था, जब हम वीडियो बना रहे हैं इससे पहले, तो इसमें कमर लचा लच कर रहा है और कैसे अश्लीलता की सारी हदों को पार किया है आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे भी। जी हाँ, ढोड़ी हुरवा इसीलिए इसका नाम पड़ा, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एहसास और आभास हो गया होगा। जी हाँ, एक बात बताइए महाराज, छोटू रावत इसमें म्यूजिक बनाया है और रजनीश चौबे जो लिरिक्स यानी गाने को जिन्होंने लिखा है वो रजनीश चौबे है। हालांकि रजनीश चौबे बाबा को हम भली भांति जानते हैं, अश्लील मुक्त गाना लिखते हैं, पर इस ढोड़ी हुरवा के कारण पूरा गाना को ना अश्लील गाया नहीं है, लेकिन हरकतें सिर्फ और सिर्फ अश्लील ही किया है। देखिए आप वीडियो, लगातार वीडियो का स्लाइड चल रहा है, किस प्रकार का हरकत और ड्रामा ढोड़ी हुरवा कर आप देख रहे होंगे। इसीलिए लोग इसको कहता है ढोड़ी हुरवा स्टार, नो पावर स्टार, नो ट्रेंडिंग स्टार, नो रिकॉर्ड मशीन, ओनली ढोड़ी हुरवा स्टार। पहले तो हरकत कर नहीं रहा था, जब हम लोग शांत हो जाते हैं, जब ट्रॉल करना छोड़ देते हैं तो ड्रामा फिर शुरू कर देता है। और सबसे बड़ा चुतियापा ना वीडियो डायरेक्टर का होता है, शायद वीडियो डायरेक्टर लोगों को ये चुतियापा पता नहीं रहता है कि उसकी जवान बेटी, माँ और बहन भी इसके वीडियो को देखती होगी। वीडियो डायरेक्टर का मतलब क्या मतलब है जी, कि महाराज इस प्रकार के ड्रामा को वो दिखाए अपने वीडियो में और करवाए ढोड़ी हुरवा से। और ढोड़ी हुरवा तो यही के मौका में रहता है कि जब भी ऐसा सीन मिले लबाक से मारे और खपाक से खींच लें। जिस प्रकार का ड्रामा आप देख रहे हैं महाराज, मतलब ये ड्रामा क्या है, कहाँ चूसे क्या, कहाँ पकड़े के, कहाँ मुंह लगावे के प्रयास कर रहा है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा और निरंतर आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, इसलिए इसको लोग ढोड़ी हुरवा भी कहता है और इसलिए इसको लकीर का फकीर भी लोग कहता है। जी हाँ, लकीर जो खींचा है ना, इतना लंगटा ही और इतना नंगा ही, पर शायद ही कोई भोजपुरी के अश्लील कलाकार उतर सकता है, हालांकि किसी से कम ये भी नहीं है। लोग मानता है भाई निरंतर सुधार आ रहा है, निरंतर सुधार आ रहा है, एक मतलब ये कि तुम नंगा वीडियो बनाओगे, बनाना ही है तो नंगा वीडियो बनाओ, इससे बेहतर है कहा इस प्रकार का वीडियो बनाते हो तुम। बाकी देखियो, वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए और पहुंचाइए कि नंगटाई कम से कम बंद करे, अश्लीलता जिस प्रकार से पाबंदी लग रहा है बस लगा रहे। बाकी विदा लेना चाहेंगे, नमस्कार प्रणाम, जय मगध, जय बिहार।